आम आदमी पार्टी फिरोजपुर के जिला प्रधान नरेश कटारिया मुखू के टीम वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंदिया दस्या गया अरविंद केजरीवाल के कदमों के चलते हुए कैप्टन सरकार वालों 1500 रुपये पेंशन का ऐलान किया जिसका असी स्वागत करते हाँ पर पंजाब सरकार पंजाब नाल मजाक कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान मुताबिक कमाने वाले की मौत ते परिवार अते अनाथ हुए बच्चों 1500 रुपये पेंशन दिती जाएगी। उन्हां दा इस ऐलान नाल बाकी परिवार लई किसी वित्ती सहायता राशि की गल नहीं कीती। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दी जनता नूं इस तरह गोल मोल करके ना उलझाउण। पंजाब विच केजरीवाल की सरकार आउण ते कोरोना कारण हुई मौत ते परिवारां नूं 50,000 रुपये का मुआवजा देवेगी। सेवा दौरान शहीद हुए परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देके पक्की नौकरी देवेगी। फिरोजपुर तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। जिमें कि पंजाब सरकार कोरोना योद्धा 50 लाख रुपया दें तो दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपया कहना चाहूँगी। असं पंजाब सरकार भी बेनती करते हैं दिल्ली की तर्ज पर जेड़े कोरोना महामारी के संबंध में डॉक्टर इलाज करते हैं जां होर जेड़े इस जिन्हां नूं असीं करोना योद्धा कह दिंदे आ उह शहीद होण वाले परिवारां नूं पंजाब सरकार भी 1 करोड़ रुपए का ऐलान करे जदों कि दिल्ली 1 करोड़ रुपया दिता जांदा। इन्हां ने मेरे ख्याल पंजाब सरकार 50 लाख रुपये का ऐलान किया वा पर हजे तक दिता तां किसे नूं नहीं गा। जदों पिछे जे भी इन्हां ने यह गल पेंशन दे बारे गल की शगन स्कीम दे बारे गल की पर हजे तक किसी नूं मिली तो नहीं ना। उन्हां दिल्ली वांगू नगद दिते जाने पैसे पंजाब सरकार तो यह भी मंग करते हैं कि जेड़े करोना बीमारी नाल जिन्हों असी योधा शहीद जड़े आ उन्होंने नौकरी का भी उन्होंने परिवार को एक नौकरी भी दी जाए। दिल्ली सरकार नौकरी भी दे रही है 1 करोड़ रुपया भी दे रही है यही असी पंजाब सरकार तो मंग करते हैं उन्होंने तरफ से।